अब देखिए, चूंकि जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था, लेकिन वो तो बोल नहीं रहे हैं। अब जैसा आप बता रहे हैं कि अब दूसरा एक ठाकुर मारा गया है, अब इस पे देखिए उनकी बयान क्या आते हैं कि ये तो गलत हो गया कि सही हुआ है, अब तो वही बता सकते हैं चूंकि उसके वो मास्टर हैं। इस तरह का बयान वो दिए हैं कि पुलिस ने गलत किया है, तो अब बतावें कि इसमें भी पुलिस ने गलत किया है कि सही किया है, ये तो वही बता सकते हैं। अपराधियों में जिस तरह से जात निकाली जा रही है, कि सब कुछ सही है। देखिए, दो चीजें, मैंने उनका बयान भी पढ़ा और देखा, अखबार में भी बैठ भी सुना। पहला उन्होंने कहा कि अपराधी सब भाजपा में चले गए, तो अपराधी सब भाजपा में चले गए तो अपराध क्यों हो रहा है? गाजीपुर में दिन दहाड़े पटेल को मारने के लिए गाड़ी में लैस होकर के दर्जनों असलहे के साथ लोग पहुंचे और दिन में फायरिंग कर रहे हैं, वो भागा नहीं होता तो जान से मार देते, वो किस जाति का था? अभी जहां भी घटना हो रही है उसमें जरूर शामिल हो जा रहे हैं यादव जी। अगर ये बात कहिए तो अखिलेश जी को बुरा लगेगा। तो जो बयान वो दे रहे हैं, उनके बयान के हिसाब से हम लोग ये बात नहीं मानते। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी कोई जाति नहीं होती है। पुलिस अगर वो फायरिंग करेगा तो पुलिस भी फायरिंग करेगी, उसका आधार कार्ड देख करके पुलिस गोली नहीं चलाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल हरियाणा में किसान युवाओं महिलाओं की चिंता के बारे में नहीं बात करते हैं। एजेंडा है कि बांटो और राज करो। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और उग्रवाद को बढ़ावा दिया, जबकि बीजेपी ने आतंकवाद और उग्रवाद को खत्म करने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस भारत में बांटने वाली पार्टी है, जाति धर्म और इस तरह के तमाम मुद्दों पर वो बांटती है। जब वो यूपी में होते हैं हरियाणा की बुराई करते हैं। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि यूपी में होते हैं तो हरियाणा की बुराई करते हैं, हरियाणा में होते हैं तो केरल की बुराई करते हैं, और जब वो विदेश चले जाते हैं तो भारत की बुराई करते हैं। सही कहा योगी आदित्यनाथ जी ने। वो खुद राहुल गांधी जी के बयान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को हक नहीं मिला, भागीदारी नहीं मिली, 60 साल दिल्ली या लखनऊ किसका शासन था? कांग्रेस का। तो कांग्रेस ने ही धोखा दिया, वो तो खुद कह रहे हैं कि नहीं मिला। तो इशारा कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा। तो काम तो उन्होंने किया है, धोखा दिया उन्होंने। तो वही बात तो सब लोग कह रहे हैं कि अगर लंबे समय तक शासन करने वाले लोग अगर शिक्षा स्वास्थ्य के विषय में सोचे होते, रोटी कपड़ा मकान के विषय में सोचे होते, तो आज ये नौबत नहीं होती। जो आज तो गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, उससे गरीब इलाज कर रहा है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो आए दिन पत्थरबाजी होती थी जम्मू कश्मीर में, 370 धारा हटी वहां से, आज जो बड़े पैमाने पर वहां आतंकवादी घुसपैठ होता था उसमें बड़े पैमाने पर गिरावट आई है। आज पूरे देश में कांग्रेस और सपा की सरकारें होती थी तो बड़े पैमाने पर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के राज में 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए। मोदी जी के राज में बड़े पैमाने पर अंकुश लगाया गया है। तो ये चीजें कांग्रेस और सपा को पसंद नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि दंगे होते तो मुसलमान हमारे साथ रहते, क्योंकि वो हमेशा दंगे करा के मुसलमान का वोट लेते हैं, बोरा का बोरा वोट लेते हैं। जब सरकार बना लेते हैं तो मुसलमान भाई लोग को खाली झोरा थमा देते हैं कि लेके खाली झोरा घूमो, अब बोरा का वोट हमको दो, यही काम तो करते हैं। एक और बड़ा अहम सवाल है, देश भर में तमाम जगहों पर रेल हादसे, ट्रेन से उड़ गया, काफी बड़ा धमाका हुआ, हालांकि उसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। अभी कल फिर कानपुर में इसी तरह की एक घटना आई, रेलवे ट्रैक के ऊपर 5 किलो का सिलेंडर और कई अन्य संवेदनशील सामान पाया गया, हालांकि ट्रेन को रोका गया, तमाम फोर्सेज मौके पर पहुंची, उन्होंने जांच करी, सामान को हिरासत में लिया और जांच की जा रही है। क्या लगता है कि क्या इस तरह की चीजें ट्रेन हादसों की क्यों बार बार सामने आ रही है और क्यों इस तरह की चीजें हो रही है? क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश काम कर रही है? देखिए, कोई न कोई बात है,
हम ऐसे साथियों से भी कहूंगा कि इस तरह का कृत्य न करें, और हो सकता है उस कृत्य में आपके परिवार का भी कोई हताहत हो सकता है, तो ऐसा कृत्य लोग न करें जो देश में प्रदेश में अमन चैन है, अमन चैन कायम करें। और नहीं तो अगर ऊपर जाने का मन है या जमीन के अंदर जाने का मन है तो ये भी बता देंगे, उसकी भी व्यवस्था सरकार कर देगी।